मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने बुधवार को गोलघर काली मंदिर के पास लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की तथा वहां पर आने जाने वाले वाहनों को रुकवाकर उनकी जांच भी की। जांच के दौरान मंडलायुक्त ने गाड़ियों पर लगे पास के बारे में जानकारी ली और पास के गलत प्रयोग करने वाले वाहनों को सीज भी कराया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने कहा, ये पास का मिसयूज है। ITC 188, ITC 420 पास का मिसयूज। ये पास कैंसिल कराइए, गाड़ी खड़ी करिए। चलिए किनारे पशुपालन विभाग का पास लेके आप पशुपालन विभाग में काम करते हैं? पशुपालन विभाग में काम करते हैं? मेरे रिलेटिव काम करते हैं। देखिए, उनका रिलेटिव ये पशुपालन विभाग का पास इसलिए दिया गया है कि गरीब आदमी को दाना मिल जाए। चलिए गाड़ी किनारे खड़ी और आइए सब। आप गाड़ी बंद करके कहाँ घूम रहे हैं आप बताइए। चलिए जाइए, ये घूमने का वक्त नहीं है। देखिए आइए, क्या करते हैं? बच्चा कहाँ है? आप क्या कर रहे हैं? उनको भी बुक करिए। कहाँ गए? आइए दोनों, इनकी गाड़ी सीज करिए, लगाइए गाड़ी। ये सीज हो जाए ये गाड़ी, एक आदमी और बैठेगा। चलिए जाइए, इनकी गाड़ी सीज करिए। चलिए किनारे लगाइए। ये घूमने का वक्त नहीं है। चलिए आप क्या करते हैं? देखिए, अब जो एक फेज था हमारा 25 मार्च से 14 तारीख तक का, जो हमारा 21 दिन का लॉकडाउन था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश शासन ने भी उस पर निर्देश दिए थे, और अब निर्देश ये हैं आज सुबह के कि अब जो हमें 20 तारीख तक लॉकडाउन करना है वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और सख्त होगा। और उसी क्रम में आज हम लोग सभी अधिकारी भ्रमण पर हैं इस समय, और हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि लॉकडाउन ऐसा तो नहीं है कि 21 दिन के लॉकडाउन के बाद उसमें कोई शिथिलता आ गई है, या जो फील्ड लेवल पर हमारे स्टाफ हैं, राजस्व कर्मी हैं, पुलिस के कर्मी हैं, वो उतना चीज़ों पर ध्यान ना दे रहे हों। और उसी के क्रम में थोड़ा सा रुक के हम लोग कोशिश कर रहे हैं जानने की, और इन लोग को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मास्क पहनना अनिवार्य हो गया, मास्क ना पहनना अब पिनिटिव एक्शन होगा उसके अगेंस्ट। तो वही सब चीज़ें कहने का प्रयास किया जा रहा है, और मैं आपके माध्यम से भी सबको कहना चाहूँगा कि अब जो लॉकडाउन का फेज़ है वो 3 मई तक है, और ये जो निर्णय है ये आपके और हमारे जनता के हित में है, और इसलिए इसका अनुपालन करना बहुत 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 ज़रूरी है। हम अनावश्यक ना निकलें। देखा जा रहा है कि एक मेडिकल का कोई पर्चा लेके ऐसे ही घूम रहा है, या जो हमारी दो पहिए की गाड़ी है उसमें एक ही सवार हो सकता है, और जो चार पहिए की गाड़ी है उसमें मैक्सिमम दो लोग बैठ सकते हैं, उसका भी अनुपालन करना बहुत ज़रूरी है। और ये सब इसलिए की जा रही है, जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, उसके लिए किया जा रहा है। सो मैं पुनः सभी लोगों को पहले तो धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो 21 दिन का लॉकडाउन था उसको गोरखपुर जनपद में बहुत अच्छे से पालन कराया है, लेकिन जो भी शिथिलता दिख रही है उसको भी खत्म करने की आवश्यकता है, और 101% हमें जो है लॉकडाउन कराना है। बिल्कुल सर, देखिए पास डिस्ट्रीब्यूशन में कमी बिल्कुल नहीं है, ई पास का सिस्टम अब है, आवश्यक सेवाओं को भी चलाया जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब किसी विभाग का कोई पास है और वो यदि कोई दूसरा व्यक्ति मिसयूज़ कर रहा है तो उसमें कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, जैसा कि आपने देखा इस केस में हम इनके अगेंस्ट करेंगे। तो पास के सिस्टम में नहीं है, और अब आप समझिए 2000 पास दिए गए हैं, क्योंकि आपको विद्युत की सेवाएं चलानी है, आपको किसान का जो गेहूं है उसको क्रय कराना है, आपको राशन बंटवाना है, आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, आपको चिकित्सीय सारी सुविधाएं, चाहे वो प्राइवेट में हो पब्लिक सेक्टर में हो, सारी चलानी है, सफाई की करनी है, नगर निगम को अपनी सेवाएं देनी है। तो इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं तो पास तो देने ही होंगे, किंतु पास की आड़ में यदि कोई ये सोचता है कि वो मिसयूज़ कर लेगा, एक बार मिसयूज़ किया वो बच गया दोबारा भी बच जाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा। सारे अधिकारी फील्ड में हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि हम इसको बहुत सख्ती से करें।